हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चों देखो, आपने एग्जांपल्स के इसके क्वेश्चन लगा लिए। एक्सरसाइज 3.2 का जो भी एग्जांपल है आपने उनके क्वेश्चंस लगा लिए हैं। आई होप आपने लगा लिया होगा और आपको जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। और इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली है कुछ नहीं। अगर आपने एग्जांपल्स के आपने अगर क्वेश्चन लगाए हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आपके लिए ये जो एक्सरसाइज है 3.2 बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्म करना है, सॉरी फॉर्म मतलब आपको बनाना है, आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। देन बनाने के बाद आपको उसे सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने का मतलब कि जो भी आपने वेरिएबल्स माना होगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपकी उसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट डाउन कर लो आप। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th, मतलब आपकी की क्लास की बात हो रही है। ठीक है, आपके क्लास के 10 बच्चे हैं। टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, ठीक है, मतलब मैथमेटिक के क्विज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो हमेशा, यानी कि जो स्टेटमेंट है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि ये जो स्टेटमेंट बता रहा है ये आपका बता रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन डायरेक्टली नंबर ऑफ गर्ल्स न बोल करके उसको कैसे बोल दिया, ये स्टेटमेंट में दे दिया। तो अब हमें इस स्टेटमेंट को समझना है। आपने एग्जांपल्स के क्वेश्चन लगाया है ना, चलो अगर लगाया है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो, तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये वाला पॉइंट जो है इस वाले लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। चलो बहुत बढ़िया, देखो तो क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ओके, देखो सबसे पहले जहां भी अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चले जाओ और क्या बोल रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, पहले क्या बोल रहा है, पहले बॉयज बोला तो लेट कर लेते हैं भाई। क्या लेट कर लिया जाए, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए। ठीक है, एंड नंबर ऑफ जो गर्ल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना मान लिया, वाई मान लिया, यानी कि क्लास 10th में एक्स बॉयज जो हैं वो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्स गर्ल्स जो हैं वो क्विज में पार्टिसिपेट कर रही। अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो आप। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिलाकर के जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस y इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, टोटल 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना, x माना, हमने नंबर ऑफ बॉयज कितना माना, x माना, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना, y माना, यानी कि यही दोनों तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये दोनों जो टोटल इनकी जितनी भी नंबर, तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। पहली बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं, अब यहां से दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि यहां पे इनडायरेक्टली नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है, अब आपको उसको डिकोडिंग करना है। आ रही बात है समझ में, ठीक है ना, मतलब ये कोड फॉर्म में दे दिया, हाँ मतलब ऐसे ये कोड फॉर्म में दे दिया है, तो हमें उसको क्या करना है, हमें इस कोड को डिकोड करना है। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपने नंबर ऑफ गर्ल्स माना क्या है, आपने नंबर ऑफ गर्ल्स माना है वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकेंड, हम यहां पर मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हमें ये बोल रहा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं वाई। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना है, वाई माना है, चलो नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि वाई जो है, वाई इज 4 मोर देन, अब यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है, बात समझना, 4 मोर देन यानी कि 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है, द नंबर ऑफ बॉयज, तो भाई ये मेरे को बताओ आपने नंबर ऑफ बॉयज कितना माना है, x, और x में आप 4 को और ज्यादा बढ़ा दो, तब ये जो नंबरिंग है, ये जो नंबर आई है, ये किसकी नंबर आई है, ये हमारे गर्ल्स की नंबर आई है। ठीक है, मतलब ये टोटल इतनी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है, 4 मोर देन बॉयज, बॉयज हमने कितना माना, एक्स माना है, तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। आगे बात है समझ में, तो इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट को, इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को पढ़ करके अपने इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सिंपल, यानी कि हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, और ग्राफिकली सॉल्व करके हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे।
ओके आ रही इतनी बातें समझ में। चलो सर इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टेबल बनाते हैं। ओके तो हम पहले बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट की, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहां से तो आप लोग समझदार हो, कर सकते हो, ट्राई करो एक बार, ठीक है। वैल्यू के चक्कर मत पड़ना, है ना, हमेशा अपना वैल्यू रखो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक से देख करके वैल्यू रख रहे हो या किसी रेफरेंस बुक से देख करके वैल्यू रख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यू में। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल्स में करने के लिए, आप वैसे करना है, ठीक है। चलो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम एक्स इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे एक टेबल हम बना लेते हैं, ओके ये एक्स है ये वाई है, तो हमने x इज इक्वल टू रख दिया भाई जीरो। देखो हमने x इज इक्वल टू क्या रख दिया, जीरो, तो जीरो प्लस y इज इक्वल टू 10 रख करके देख लेना। ऐसे x इज इक्वल टू क्या, जीरो, x की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, तो x जीरो प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 10। तो हमने जब x की वैल्यू हमने जब जीरो रखी है तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10 मिली। हमने x की वैल्यू रख दी जीरो तो y की वैल्यू हमें मिल गई 10। ये हमारा पहला हमारा टेबल मिल गया। दूसरे में देखो y इज इक्वल टू जीरो रख दो, y इक्वल टू अब जीरो रख दो तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू आपने जीरो रख दिया तो यहाँ पर रख दो y की जगह जीरो, दैट इज x इक्वल टू 10 मिल गया। तो y इक्वल टू जीरो रखने पर x की वैल्यू 10 मिल गई, y इक्वल टू जीरो रखने पर x की वैल्यू 10 मिल गई। एक और कुछ वैल्यू देख लेते हैं, देखो कुछ नहीं, आप क्या कर लो x की वैल्यू 2 रख लो या y की वैल्यू 1, कुछ भी रख लो ना, क्योंकि आपको यहां से इंटीजर ही मिलना है, ठीक है। बता देते हैं इसको, ओके इतना पहले नोट डाउन कर लो। देखो अब क्या कर लेते हैं, हम x की वैल्यू मान लो रख देते हैं, सपोज करो 5 रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लो आप फ्री हो, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा। यहाँ पे आपने देखो क्या किया, आपने 5 प्लस y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज 5, y की वैल्यू आ गई 5, यानी कि आपने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 5 मिल गई, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू, ये आपका हो गया टेबल नंबर फर्स्ट, आपके इक्वेशन फर्स्ट से आपका टेबल नंबर फर्स्ट मिल गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ओके तो अब देखो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है कि एक बार लिख लो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इतना है। अब बात समझना, अब हम यहाँ पे पहले टेबल एक ड्रॉ कर लें, इसमें क्या समझना है सर, बहुत आसान है, ठीक है, ओके अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू रखनी मान लो 0, x इज इक्वल टू अगर हम 0 रख दें, x इज इक्वल टू 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देख लो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 दैट इज y इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो बहुत आसान है, ठीक है, एक्सरसाइज तो और आसान है, इससे डिफिकल्ट तो आपका एग्जाम्पल है, ओके अब x की, अब y की वैल्यू हम 0 रख दें, y की वैल्यू हमने रख दी 0, तो देखो x को आप यहीं छोड़ दो और इस 4 को इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ओके नेक्स्ट एक और वैल्यू ले ली जाए, अब हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं भाई, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो आपने रख दिया, देखो ध्यान समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, बहुत आसान है, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 देन y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू आ गई 6। और हम ये तीन तीन वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, आप लोगों को ये पता है क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली हमें ये बता देगा कि हमने जो ये जो टेबल बनाया है वो हमारा सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट देखो हमारा ऐसे भी, मान लो आपका ये एक पॉइंट, सपोज करो आपका ये एक पॉइंट और आपका ये एक पॉइंट यहाँ, तो ऐसे भी जा सकता है, मान लो एक पॉइंट यहाँ ना अगर कैसे हो गया तो लाइन ऐसे भी जा सकती, लेकिन हमेशा बच्चे याद रखना कि लाइन जो होगी ना पर्टिकुलर आपकी जितने भी क्वेश्चन है वो सबकी लाइन फिक्स होगी, मतलब सबका शेप एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं है कि मान लो आपके आंसर में आपके बुक में अगर लाइन ऐसे गई है, ठीक है, तो आपका भी जो आपका भी जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें भी लाइन ऐसे ही होना चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ 5 है तो यहाँ पर 15 हो सकता है, तो y की वैल्यू भी 15 होगी, आ रही बात उसमें, तो जैसा हम x रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा उसका y मिलेगा, ओके तो हमने ये बना लिया, ओके अब बनाते हैं ग्राफ को, ओके सर तो ये आपने ग्राफ बना लिया, आपने नंबर इसमें मेंशन कर दिए 1 से लेकर के इधर x में 11 तक, इधर 11 तक, इधर माइनस तक, क्यों, क्योंकि हमारे टेबल की इतनी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, हमें टेबल में बेसिकली देखो x में चलना है 10 और x में चलना है माइनस 4 तो हमें यहाँ माइनस 5 तक ले लिए, y में हमें चलना है हमें 10 तक मैक्सिमम चलना है, ओके तो हमने ये 11 तक हमने बना लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टेबल नंबर फर्स्ट की, बात करते हैं, बड़ा देखना बड़ा बहुत ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, देखो कैसे x में आप कितना चलो 0, x में आपने चला
जीरो, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाई में आपने कितना चला, टेन। वाई में आपको कितना चलना है, टेन चलना है, तो वाई में आप कितना चलो, टेन चलो, तो टेन आप यहां पर चलोगे। इस केस में आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपका यहां पर मिलेगा, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट मिला। और आपका नाम दे दोगे क्या, आप इसका नाम दे दोगे 0, 10। क्या नाम दे दोगे, 0, 10। ओके ओके, ये आपने मेंशन कर दिया 0, 10। ठीक है, ये मार्कर को क्या हो गया, ओके सर, इतना आपने चल लिया 0, 10। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, 10, एक्स में चलना है 10, वाई में चलना है 0। एक्स में आपने चला 10, वाई में आपने चला 0, दैट इज आपका दूसरा कोऑर्डिनेट मिला यहां पर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, तीसरा हमारा इसी के कहीं सीध में होना चाहिए, 5, 5 है। तो एक्स में देखो आपको चलना है 5, एक्स में आपको चलना है 5 एंड वाई में आपको चलना है 5, दैट इज आपका एक कोऑर्डिनेट मिला। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहां तक जाएगा और ये यहां तक आएगा, ओके। तो हमारा एक तीसरा कोऑर्डिनेट यहां पर कहीं मिल गया। आप ग्राफ पेपर में अपने कॉपी में बहुत ही अच्छे से आप इसको ड्रॉ करना, ठीक है। देखो तो ये तीनों की तीनों लाइनें देखो कैसे एक सीधे हैं, है ना। अब बेसिकली आप अगर इसको अपनी कॉपी बनाओगे तो ये और ज्यादा स्ट्रेट होंगी, ठीक है। तो हम क्या करें, इन तीनों लाइनों को मिला दिया जाए। चलो सर मिला देते हैं इन तीनों लाइनों को, ओके ये हमने मिला दिया, आ रही बातें समझ में। तो ये हमारा पहला वाला इक्वेशन हो गया। क्या था फर्स्ट इक्वेशन, आपने कॉपी में देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की, जल्दी से देख लेते हैं, 0 एक्स में कितना चलना है, 0 वाई में कितना चलना है, 4 वाई में कितना चलना है, 4, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स में हमें चलना है -4, एक्स में हमें चलना है -4 और वाई में चलना है, वाई में चलना है 0, वाई में चलना है 0। तो यहां पर यानी कि एक कोऑर्डिनेट मिला यहां पर, एक कोऑर्डिनेट मिला यहां पर, ठीक। और दूसरा देख लेते हैं 2, 6, 2 यानी कि एक्स में हमें चलना है 2 और वाई में हमें चलना है 6, दैट इज हमें मिला यहां पर, ठीक है, ओके। ये अब अपनी कॉपी में एकदम देखना मस्त एकदम बनेगा, है ना, आपकी कॉपी बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा ग्राफ पेपर पे, एग्जैक्टली, ओके। अब इसको मिलाते हैं हम, ठीक है। तो सर आप स्केल से इसे आप मिलाओ, ठीक है, तो ये कुछ स्केल से आप मिलाना है ना, एकदम एग्जैक्ट आपका देखो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब देखो अब बात समझो यहां से, अब ये जो हमारे जो दोनों लाइंस हैं ये बेसिकली लाइन देखो यहां पर कट कर रहे हैं, अब बात समझना यहां से, है ना, अब अपनी कॉपी में समझना यहां पर कट कर रहे हैं। अब देखो इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे एक्स एक्सिस में कितना है, 3 है। इस पॉइंट के नीचे जहां पर हमारा ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर क्रॉस करी हैं, इस पॉइंट के नीचे हमारे एक्सिस में कितना है, 3 है, और वाई एक्सिस में कितना है, 7 है। आगे बात समझ में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बताओगे क्या, 3, 7, ठीक है, 3, 7। तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ओके, आगे आपको बातें समझ में, हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है 3, 7। और मैंने आपको कोऑर्डिनेट क्या बताया, हमेशा क्या लेते हैं, एक्स कॉमा वाई लेते हैं, एक्स कॉमा यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 और वाई की वैल्यू है 7। और आपने देखो आप अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो आपने एक्स किसको माना है, नंबर ऑफ बॉयज, तो आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना, 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। ये आपका हो गया आंसर। और आपने कहा कि सर हमें आंसर चेक करना है कि सर हमारा ये जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, हमें सर इसे चेक करना है, कैसे चेक कर लिया जाए। अब मेरी बात समझो, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 7। आप पहले इनको नोट डाउन करो, ग्राफ बना लिया, चलो बहुत बढ़िया। यहां पर देखो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको हमेशा स्केल के थ्रू बनाना है, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे कितने, 7 है। अब आपने जो माना था, आपने कहा था, आप क्या करो अगर आपको आंसर अगर चेकिंग करना है तो आप क्या करो, आप इस यानी कि आपकी जो x इज इक्वल टू कितनी आई है, 3 है, y इज इक्वल टू कितनी है, 7 है। आप क्या कर लो, इस x और y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख लो, देख लो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, 7, 3, 10 कितना है, 10। LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब आपका जो आंसर आया है वो 110% सही है। आगे बातें समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।